हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स हमने रिसेंटली बहुत ही अमेजिंग सी एक सीरीज चालू की थी डैट इज एग्जाम बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड आपको ये बात बिल्कुल याद होनी चाहिए कि हम कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी क्लास इलेवेंथ के चैप्टर नंबर टू की टोटल सिक्स केस स्टडीज कंप्लीट आज बारी है केस स्टडी नंबर सेवेंथ की एंड क्लास ट्वेल्थ में भी केस स्टडीज के कंप्लीट वीडियोज चल रहे हैं एंड यहाँ पे भी चल रहे हैं आपको दोनों को अच्छे से चाहे आप किसी भी क्लास में हो आपको ही होता है। 12th का जो आया था, आपने देखा था उसमें भी quiz, है। 11th के जो पेपर्स हैं वो भी आपने देखे बेस्ड क्वेश्चन हैं है। तो आप सभी इलेवंथ क्लास के स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये yes और नो no? सो so, इसलिए फटाफट से क्या करो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन्हें बताओ कि प्रियंका टोटल हम टेन करेंगे हर चैप्टर से मैग्नेटिंग मैगनेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम जहां पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ फॉर डेली बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार

प्रिवेलिंग इन हर हाउस एंड थाट ऑफ वर्किंग एज अ कुक ठीक है अब आकांक्षा जो है उसको क्या करना है अपने जो घर का फाइनेंशियल बर्डन है वो कम करना है ऑब्वियसली कर्जा वर्जा होगा कुछ इसलिए वो परेशान है ठीक है अब उसको किस तरह काम करना है कुक की तरह काम करना है उसको खाना बनाना आता है तो उसने सोचा कि मैं कुक बन जाऊंगी शी स्टार्टेड वर्किंग इन थ्री डिफरेंट हाउस होल्ड्स सो उसने तीन अलग अलग घरों में कुक की नौकरी करी है ना अब वन पंजाबी वन गुजराती वन साउथ इंडियन फैमिली सो मच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विजींस पोल्स अपार्ट क्विजीन एक वो पंजाबी घर में काम करती है एक गुजराती फैमिली में और एक साउथ इंडियन फैमिली में तो एक बनवाते होंगे उससे डोसा इडली एक बनवाते होंगे उससे जो गुजराती डिशेज होती है ना

इज ओके फॉर मी मक्के दी रोटी एंड सरसों द साग इज ओके फॉर मी बट अदर थिंग्स आई डोंट नो हाउ टू मेक सो वी ऑल हैव अवर डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग एंड डिफरेंट वेज वी आर बॉट अप इन टू सो उसको भी चैलेंजिंग लग रहा था ठीक है ऑल द फैमिली ग्रेटली अप्रिशिएटेड द टाइम फ्रेम विद इन विच शी हैज मास्टर्ड द लोकल क्विजिंग सभी फैमिलीज उसकी बहुत तारीफ करते थे कि उसने इतनी जल्दी आके सब सीख लिया आफ्टर वर्किंग फॉर देम ईयर शी डिसन अ स्मॉल ईटिंग ज्वाइंट ऑफर ओन तो उसने बहुत काम कर लिया दूसरों के घरों में अब वो खुद का जॉइंट ओपन करना चाहती थी अलोंग विथ टू ऑफ हर फ्रेंड्स बाय द नेम हमारा खाना वाओ सो क्यूट हमारा खाना वो बिजनेस चालू करने चाहती थी अपने दोस्तों के साथ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अब ये केस पूरा जा रहा है पार्टनरशिप की तरफ किस लाइन से पता चल गया शेयर प्रॉफिट इक्वली वन इज टू वन इज टू वन ठीक है एंड दैट ईच ऑफ दम विलबल फॉर एक्ट परफॉर्म बाय अदर टू यानी ऑल ऑफ दन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ओके सो द इट्री बिकेम अट्स्पॉट बिकॉज ऑफ द फ्यूजन प्लेटर विच वॉज बी ऑफर्ड तो फ्यूजन प्लेटर क्योंकि उसकी आदत ही थी फ्यूजन खाना बनाने की अलग अलग घरों में अलग अलग तो फ्यूजन प्लेटर उसने लॉन्च किया था जिससे वो इटरी बहुत पॉपुलर हो गई हमारा खाना ठीक है ना ऑन द बेसिस ऑफ द अबाव के इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन Absolutely, we will answer. Identify the kind of business organization which was set up by Akansha Ji and her friends. Partnership. Yes or no? So, partnership. Now, quoting the lines from the paragraph, state the features of partnership form of business organization. So, first. दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली ठीक है तो फर्स्ट फीचर क्या है प्रॉफिट शेयरिंग शुड बी इधर इक्वल और इन एन अग्रीड रेशियो रेशियो विल बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड इन पार्टनरशिप डीड है है ना कैसे पता चला मैंने आपको question में बता दिया था mutual agency की बात हो रही ये वाला जो प्रिंसिपल है ये क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी यानी इसका मतलब यही होता है कि मान लो अगर तीनों पार्टनर्स है ना दुकान के तीनों पार्टनर्स हैं हमारा खाना के एक आता है डिस्पोजल वाला कि मैंने आपको डिस्पोजल सप्लाई किए थे आपने मुझे पैसे नहीं दिए है ना तो वो वहाँ पर सिर्फ आकांक्षा खड़ी थी और बाकी दो फ्रेंड्स अभी घूमने गए हुए थे तो आकांक्षा उसको पैसे दे देगी बाद में वो बाकी दोनों से ले लेगी इक्वल रेशियो में यस और नो तो ऐसे ही होता है ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर वन एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर है ना हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है ठीक है तो म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है ये साफ समझ में भी आ रहा है और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है स्टूडेंट्स आई नो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अब मिलते हैं हम नेक्स्ट केस स्टडी में आई होप आपको ये सिंपल केस स्टडी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया एंड स्टूडेंट्स आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना है चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जब शेयर करो उन्हें जरूर बताना कि मैग्नेट ब्रिंक्स एक हाई क्वालिटी हंड्रेड फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है क्लासेज फ्रॉम किंडर टू क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई बोर्ड एंड आपको क्लासेस मिलती है फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ फॉर डेली बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फॉर स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ऑन अवर अदर चैनल डैट इज मैगनेट प्रिंस हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वेदिक मैथ्स स्पोकन इंग्लिश के एक्स्ट्रा कोिकुलर कोर्सेस भी मिलते हैं एग्जाम से जस्ट पहले हम आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेस अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा सीबीएसई के स्टडीज और प्लेलिस्ट सेक्शन में सिस्टमेटिक वीडियो नो स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करो हमारे अर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड व्हाट्सएप इनको जरूर फॉलो करना थैंक यू सो मच